permission is write permission. Write permissions में हम लोग किसी contents जो folders का contents है उनको read भी कर पाएंगे और उन्हें हम लोग change भी कर पाएंगे. जैसे एक folder create हुआ A नाम का, तो A नाम का जो folder है उसको open भी कर पाए और A जो files के अंदर एक file है abc.txt, इस files को हम लोग edit भी कर पाएंगे और साथ में हम लोग इसको save भी कर पाएंगे. नेक्स्ट जो परमिशंस हैं वो परमिशंस हैं स्पेशल परमिशन. स्पेशल परमिशंस कब इंपॉर्टेंट हैं, अगर किसी को कुछ आइडिया है स्पेशल परमिशंस का कि ये क्यों यूज किया जा रहा है? नो सर. कोई आपको आइडिया नहीं है? नो सर. चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पेशल परमिशंस क्या है. ये हो गया आपका? जी सर. तो एक मेन हम लोग देख रहे हैं स्पेशल परमिशंस. अगर हम लोग एक रीड परमिशन असाइन कर रहे हैं तो एग्जांपल के यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि उसको क्या क्या परमिशन मिल रहा है. सबसे पहले रीड डेटा, वो डेटा का रीड कर सकता है. नेक्स्ट एट्रीब्यूट डेटा एंड रीड परमिशंस. जैसे हम लोग रीड का असाइन कर देते हैं परमिशंस तो उसको ये तीन परमिशंस ऑटोमेटिकली मिल जाता है. लेकिन अगर आप चाहें तो स्पेशल परमिशन से आप लोग चाहे कि इसमें एट्रीब्यूट्स डेटा उसको ना मिल पाए, इसके एट्रीब्यूट्स को वो चेंज ना कर पाए, तो हम लोग स्पेशल परमिशन के लिए अगर आप चाहें तो एट्रीब्यूट्स डेटा को आप डिनाई कर सकते हैं. ये स्पेशल टाइप्स ऑफ परमिशन आपका जो फोल्डर जो एडीएफएस परमिशन हम लोग असाइन करते हैं लास्ट में स्पेशल परमिशंस होता है जो प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं कि किस टाइप्स के हम लोग किसी फोल्डर पर स्पेशल परमिशंस असाइन करते हैं. तो हम लोग अभी स्पेशल परमिशंस भी देखें, कुछ और भी परमिशंस हैं, कुछ कंट्रोल्स हैं. एक है इनहेरिट परमिशंस. इनहेरिट परमिशंस में क्या होता है? एक फोल्डर ए है, इसी में एक सब फोल्डर बनाया हुआ है बी और सी. ये मेरा पैरेंट फोल्डर है और ये सब फोल्डर और चाइल्ड फोल्डर भी बोल सकते हैं. इनहेरिट परमिशंस में अगर किसी पैरेंट फोल्डर में हम लोग जो भी परमिशंस असाइन करेंगे वो ऑटोमेटिकली वो परमिशंस सब फोल्डर में भी एप्लीकेबल हो जाएगा. तो इनहेरिट परमिशंस में हम लोग क्या देते हैं कि ये भी एक स्पेशल टाइप ऑफ परमिशंस है जहां से हम लोग किसी पैरेंट फोल्डर को अगर कोई परमिशंस असाइन करते हैं तो वो परमिशंस ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो जाएगा मेरा सब
फोल्डर मेरी।